गाइस वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो दोस्तों अपडेट तरह तरह की कंपनियां तरह तरह के अपडेट, एंड्रॉयड 11 अपडेट, ऑक्सीजन ओएस अपडेट या फिर आईओएस अपडेट या फिर MIUI अपडेट। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिनों पहले जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर MIUI 12.5 वो लॉन्च हो चुका है, ये काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। यहाँ पे लोग को परेशानी इस बात की लग गई है कि इसमें फीचर्स कितने ज्यादा है इससे नहीं, बल्कि उसके फोन में कब से आएगा इससे परेशानी ज्यादा लग गई है। सो आपकी इस परेशानी को दूर करने के लिए मैं यहां लेके आया हूं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सुविधा। आपको नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लेना है, उसके बाद से आपको कब से अपडेट मिलेगा मैं आपको आके बताता रहूंगा, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आपको पता है कि MIUI 12.5 का अपडेट वो लॉन्च कर दी है कंपनी ने, लेकिन कब किस फोन को मिलेगा ये तो नहीं बताया है। हाँ ये बताया कि फ्लैगशिप डिपार्टमेंट वाले फोन को पहले मिलेगा, उसके बाद जो है मिड रेंज वाले फोन जो आते हैं उस 30,000-20,000 वाले फोन जो आते हैं उसको मिलेगा, उसके बाद जो बचा कुचा रहेगा वो दिया जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली कब से मिलेगा इसका कैलकुलेशन कंपनी नहीं बताती है। आज हम बात करेंगे MI का Redmi Note 8 Pro स्मार्टफोन में कि कब से MIUI 12.5 का अपडेट उसमें देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आज हम लोग बात करेंगे कि MIUI 12.5 का अपडेट कब से जो है 8 Pro में देखने को मिलेगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि MIUI 12.5 का अपडेट लॉन्च हो चुका है, बहुत ही अच्छा अपडेट है, बहुत चीज ऑप्टिमाइज की गई है, बहुत ही चीज कस्टमाइज की गई है और बहुत ही चीज ऐसी बनाई गई है जो यूजर्स को बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। खैर इस जो है ऑफिशियली इस अपडेट जब तक नहीं आता है तब तक मैं इसका रिव्यू नहीं करूंगा, जैसे ही ऑफिशियली इसका जो है रोल आउट होना चालू हो जाएगा तो मैं इसका रिव्यू कर दूंगा, क्योंकि अभी जो कस्टमली जो डाउनलोड करके जो जो रिव्यू दिया जाता है उसमें प्रॉपर नहीं होता है फैसिलिटीज़, जितनी चीज़ें वो कंपनी जो उसके ऑफिशियली अपडेट में देती है उतनी अपडेट वो लोग जो है इस तरह से कस्टमली नहीं देती है। हाँ कुछ कुछ दे देती है फीचर्स, लेकिन पूरी तरीके से वर्क नहीं करता है। तो मैं जब तक इसका ऑफिशियली नहीं आता है तब तक मैं इसको नहीं करूँगा इंस्टॉल, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें भी बग्स ही होंगे कस्टमली अगर इंस्टॉल किया तो। अगर आपको ऑफिशियली मिलता है तो उसमें बग से निजात जरूर मिलेगा थोड़ी बहुत। तो अगर आपको ये जानना हो कि नोट 8 प्रो में कब से मिलेगा तो देखिए दोस्तों कि इसमें जो है पहले तो फ्लैगशिप डिपार्टमेंट वाले को मिलेगा, कंपनी ने ये साफ साफ कर दिया है, जैसे MI 11, MI 10T, MI 10 प्रो इन सब डिवाइस को मिलेगा। उसके बाद बारी आती है थोड़ी सी जो है मिड रेंजर फोन्स की, जैसे कि 30,000-35,000 वाले फोन जो आते हैं ना, 25,000-30,000-35,000 वाले फोन्स उसमें मिलेगा पहले, उसके बाद आएगा नोट 8 प्रो का बारी। तो ये कब से आएगा दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि फ्लैगशिप वाले फोन्स को मिलेगा अप्रैल से, और जो उसके नीचे वाले फोन रहेंगे उनको मिलेगा मई से। तो जी हाँ दोस्तों, नोट 8 प्रो में पूरी तरीके से संभावना ये बन रही है कि नोट 8 प्रो में आपको जो है अपडेट वो मई के लास्ट वीक से देखना चालू हो जाएगा, यानी मई के लास्ट वीक से आप जो है अपने फोन्स में, अगर आपके पास नोट 8 प्रो है तो आप बिंदास MIUI 12.5 का आनंद उठा सकते हैं, क्योंकि इस फोन का जो है ऑप्टिमाइजेशन काफी ज्यादा तगड़ा है। यहाँ पे CPU पे कम लोड दिया जाएगा और बैटरी पे कम लोड दिया जाएगा, जिस कारण से आपकी फोन स्मूथली चलेगी, और आपका प्रोसेसर कम भी है तो कोई टेंशन नहीं है, आप उसमें बढ़िया से बिंदास से गेम खेलने वाले हो और जो बग्स अभी हैं वो बग्स भी क्लियर किए जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी जो सिस्टम के ऐप जो प्री इंस्टॉल ऐप होते हैं उसे आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, लेकिन ये ऐप आने के बाद उसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हो और जिसे चाहे आप उसे हाइड भी कर सकते हो। तो ये फीचर काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। सो आने दो अपडेट को ऑफिशियली, उसके बाद जो है इसको तगड़ा बैठ के इसका रिव्यू करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि किस तरह से ये अपडेट जो है एक नया रेवोल्यूशन लेके आया है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगा तो यार प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।